फेसबुक पर हुई दोस्ती बनी मौत का कारण। शक के चलते युवक ने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर की पत्नी की हत्या। गंज बासौदा में एक महिला की हत्या खबर लगते पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हत्या को दुर्घटना बताने वाला पति और जेठ ही निकला महिला का हत्यारा। मासूम बच्चों ने दी पुलिस को सूचना। वार्ड नम 06 बीजासेन माता मंदिर गली में 35 वर्षीय महिला अर्चना तोमर की उसके पति और जेठ ने शक के चलते गला घोट कर हत्या कर दी। पति और परिवार जन इस घटना को दुर्घटना साबित कर रहे थे, लेकिन महिला का फेसबुक मित्र और बच्चों ने पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां कर दी, जिसके चलते पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला की फेसबुक पर भोपाल निवासी एक युवक से मित्रता हो गई थी, जिससे लंबे समय तक फोन पर बात करने से महिला और उसके पति के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। बुधवार रात महिला और उसके पति के बीच जमकर विवाद हुआ। गुस्से में आकर महिला के पति और उसके जेठ ने महिला की गला घोट कर हत्या कर दी। इस घटना को दबाने के लिए पति और उसके परिवार जन महिला को लेकर शासकीय जन चिकित्सालय पहुंचे और डॉक्टरों से कहा कि मेरी पत्नी का पैर जीने से फिसल गया। जांच के उपरांत डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रबंधन से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी, तो वही मृतका के बच्चों ने थाने पहुंचकर पूरे हत्याकांड की गुत्थी खोल दी। बच्चों के बयान और मौके पर मौजूद सबूतों के आधार पर महिला के पति जितेंद्र तोमर और जेठ भारत सिंह तोमर के विरुद्ध धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज गिरफ्तार कर लिया। कल रात्रि में करीब 8 बजे 8:15 बजे सुखाल से एक तहरीर आई थी, जिसमें लिखा था कि अर्चना पति जितेंद्र तोमर जो बीजासन वाली माता की गली में रहते हैं, वो सिर में चोट होना सीढ़ी से गिरने के कारण सिर में चोट होने से मृत अवस्था में लाया गया उनके जेठ भरत सिंह द्वारा लाकर भर्ती किया गया, जिसमें से मर्ग कायम किया गया। मर्ग जांच की गई, घटनास्थल जाकर देखा गया तो सीढ़ी पर से गिरने का कोई सबूत नहीं मिला। कमरे में पीछे के कमरे में वतिका का खून पड़ा हुआ था, वहाँ कुछ गठिया का गिलाफ वगैरह भी पड़ा हुआ था और पूछताछ पर उनकी बेटी नानू और बेटे छोटी द्वारा बताया गया कि कल शाम के समय भारत सिंह जो ताऊ जी लगते हैं वो कल आए थे और मम्मी और पिता से बात कर रहे थे, फिर हमें बाहर भेज दिया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम वापस आए थे घर में, तो पीछे के कमरा में ताला लगा हुआ था। तो मम्मी के बारे में पूछने पर मम्मी का पड़ोस में कहीं जाना बताया था ताऊ जी और पापा ने और हमें डांट दिया था। फिर हमने कहा कि ताला खोलो, अंदर कोई है, आवाज़ आ रही है। वो ताला नहीं खोला, हमने खिड़की में से खोल कर देखा तो मम्मी अंदर पड़ी हुई थी और उनके नाक में से खून निकल रहा था, तकिया भी तकिया जैसा वहाँ पर पड़ा हुआ। फिर वो उसको डांट के दोनों ने हम लोगों को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद हमने उसी बीच में शानू अंकल जो मम्मी से बात किया करते थे उनका फ़ोन आया, उन्होंने इसको बताया कि मम्मी के साथ मारपीट हो रही है और तुम पुलिस में चले जाओ। तब बच्ची थाने पर भी आई थी कि हमारी मम्मी के साथ मारपीट की गई है यह बताने के लिए। इसके आधार पर आज उसके माई के पक्ष को भी सूचित किया गया था, जो उसके पति का अर्चना का भाई कृष्णभान व रविभान जो भिंड में रहते हैं वो आ गए थे। उनको भी उस बच्ची और उसके उनके भांजा और भांजियों द्वारा जो कि छोटू और नानू द्वारा यही घटना बताई गई है और शॉर्ट पीएम कराया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में रतिका अर्चना का मृत्यु दम घुटने से स्ट्रैंगुलेशन, कोई गिरफ्तारी वगैरह भी नहीं, स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला दबाने से होना पाया गया। वो दोनों को उसके पति जितेंद्र को और भरत सिंह को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी भी इनकी दोनों की जाएगी। अपराध धारा 302, 201, 34 का कायम कर लिया। Thank you.